अब बकवास तो बहुत कर रही थी ना तू कि दाता के लौटते ही सच्चाई को सामने खड़ा कर दूंगी। ऐसा थप्पड़ बजाया है गलवा पे कि सच्चाई को खड़ा करने वाले खुद ही पसर गए। किसी पर हाथ उठाकर सच और झूठ का फैसला नहीं किया जा सकता। तुम्हारे दाता ठाकुर, जिस इंसान को तुमने भगवान का दर्जा दिया हुआ है, he is a liar, a cheater, और ये बात मैं आज नहीं तो कल प्रूफ करके रहूंगी। सुबह सवेरे कौवे भी बहुत ही शोर मचाते हैं, लेकिन उनके शोर मचाने से सूर्य देवता प्रकट होना नहीं छोड़ते। ऐसे ही मचाती रहना शोर, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन हाँ, कल सुबह तुम्हारी ये शोर मचाने वाली जगह जरूर बदल जाएगी। अब यहां नहीं, वहां दिल्ली में किसी खिड़की में बैठकर शोर मचाना है। से ही ऐसी है पागल, जो ठान लेती है ना वो करके रहती है। और मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए तो किसी भी हद तक जा सकती है। आपकी खुशी के लिए तो इतना दूर गई क्या? I mean, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो तरक्की करेगी तो आपको खुशी होगी ना। अच्छा सासू माँ, मैं क्या कह रहा था? अब मैं पहले से ज्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। अरे नींबू पानी, हाँ कमाल कर दिया आपके नींबू पानी ने। तो मैं ये कह रहा था कि आप आधे दिन के लिए कॉलेज जाके आ जाइए ना। मैं नहीं, यहां... नहीं 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 भाई, मैं ऐसे तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ कॉलेज? आपके कॉलेज में एग्जाम्स आने वाले, हाँ बच्चों के फ्यूचर का सवाल। आप जाके आइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई चिंता की बात नहीं। एब्सोल्युटली। अच्छा सुनिए, हाँ आप नींबू पानी का एक ग्लास रख के जाइएगा, अगर चक्कर वक्कर आ गए तो मतलब मैं पी लूंगा। शैतान। यार मियू, और कितना झूठ बुलवाओगी यार, कब तक संभालूंगा मैं? प्लीज अब जल्दी आ जाओ ना, वरना यहां कभी भी भांडा फूट सकता है। ओके पता है आज तुम्हारे हाथ की और कपार की रेखाएं क्या कह रही है? अरे तुम कहां चली, धनिया तोड़ो। लखन, ये क्या हो रहा है? हम कितना बार कहे हैं जो भी मारना है पीटना है घर के बाहर जाकर करो, घर का नुकसान काहे कर रहे हो तुम? साला, तीन तीन मुस्कुराए लोग गए थे और एक लड़की को ना मार पाए तुम। दाखन,
भैया तू लौंडिया गांव माँ फिर फिर कर हमारी इज्जत उछाल रही है और ईप ईप छोड़ो इसे। उस लड़की ने जितना किया है उतनी सजा दे चुके हैं हम उसे। कल सुबह पृथ्वी उसे गांव के बाहर छोड़ाएगा, बात खत्म। भैया जरा सोचिए, ठाकुर रामधारी सिंह ने पहली बार जिंदगी मां किसी पर हाथ उठाया है तो लौंडिया की गलती कितनी बड़ी होगी जरा सोचिए। और अगर हमने वो लौंडिया कोई काम से जिंदा बाहर जाने दिया ना तो काम भर में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लोगों को हमारे न्याय पर भरोसा है, कोई सवाल नहीं उठेगा और अगर उठा तो हम बड़े हैं, हम जवाब देंगे। रही तुम्हारे मन की बात, इतना जान लो हम अपने गांव में खून खराबा नहीं होने देंगे। ठीक है भैया, आपका कहा सर माथे पर, गांव के सीमा के बाहर तो सरपंच रामधारी सिंह हमको इजाजत दे ही सकते हैं ना? नहीं, वहां बड़े भाई का हुक्म चलेगा, तुम कुछ नहीं करोगे। अरे बच्चा है अभी, ये नहीं समझता कि वो छोरी पूरे गांव में कुछ भी कहे कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। सबको बहुत विश्वास है आप पर, हमारे इस विश्वास को तोड़िएगा मत दे बच्चे। रोटी सर का ये सब्जी देते हैं। नहीं टूटने दूंगा भाभी। चटनी दे? नहीं। हम जानते हैं आपकी तो कोई गलती नहीं है, पर गलत तो लाखन भी नहीं। आज तो जैसे तैसे करके हम उसको संभाल लेंगे, किंतु कल अगर वो लड़की इस गांव में नजर आई तो अपना लाखन भी कोई बकरी तो है नहीं, वो तो सांड है। सांड रोकने से रुकेगा नहीं। खाना खाइए ना।
खराब हो गई? अंदर से सब कुछ कितना पुराना लग रहा है, लगता नहीं है ज्यादा दिनों तक चलेगी। हाथ दो अपना। हाँ हाथ। इंसान का शरीर और जीभ का इंजन जब तक गर्म हो तब तक उसके चलने पर सवाल नहीं करना चाहिए। तो ये बात तुम बोलकर भी तो समझा सकते थे ना। अकल देखिए अपनी, साफ पता चलता लातों की भूतनी हो, बातों से नहीं मानो। अरे मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि ज्यादा से ज्यादा एक या दो साल ही चलने वाली है और उसके बाद प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तुम्हें ना नई गाड़ी ले ही लेनी चाहिए। अरे तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। ओए रैम्बो सिंह, मैं सोच रही थी कि तुम इंसान बुरे नहीं हो, और मेरे पास ना मेरे बैंक में 10 लाख रुपए का FD है, उसे तोड़वाकर 6 लाख रुपए मैं तुम्हें दे दूंगी। अरे मैं जानती हूँ 6 लाख रुपए एक नई जीप खरीदने के लिए इनाफ नहीं है, पर बाकी के 4 लाख रुपए मुझे मेरे शादी के लिए चाहिए होंगे। तुम एक काम करना, बैंक से लोन ले लेना और उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी मैं भरने के लिए तैयार हूँ। बस ये ई गाजर मुझे इसलिए दिखा रही हो कि कल तुम्हें स्टेशन ना छोड़ू। जितना बेवकूफ तुम्हें समझा था इसे 2 किलो ज्यादा ही हो। अरे मैं तो कुछ और ही कह रही थी, मैं कल सवेरे जाने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं अकेले ना जाऊं, मेरे साथ तुम और तुम्हारे दाता ठाकुर भी दिल्ली चले। देखो मैं जानती हूं कि वो झूठ बोल रहे हैं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते ना तो तुम उन्हें उनकी हवेली से कल सुबह होने से पहले ही उठा लो। मैं जानती हूं एक बार दिल्ली पहुंचकर मेरी माँ के सामने वो झूठ नहीं बोल पाएंगे और फिर तुम्हारे सामने भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सुनो ना सोचो मत, अगर तुम उन्हें किडनैप करोगे तो वो भी तो सच्चाई के लिए ही ना, और फिर तुम्हें 6 लाख रुपए हार्ड कैश भी तो मिल रहा है, तो बोलो डील। लैमो सिंह ये क्या कर रही हो तुम? नीचे उतारो मुझे। Put me down. छोड़ो मुझे, बचाओ। Somebody please help me. Somebody help me. नीचे उतारो मुझे ये जंगली। कुआं में फेंक दियो, डूब ना जाए। तो कमल का फूल थोड़ी ना है जो ऊपर ही तैरती रहेगी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? देखो तुम्हारी दुश्मनी और गुस्सा अपनी जगह पर और इंसान की जिंदगी अपनी जगह पर। हम तुमका कौनों की जान ना ले दे, समझ गए? हम जान कहाँ ले रहे, हमने तो सिर्फ पानी में फेंका है, जान तो पानी लेगा। ए पृथ्वी ये मजाक की बात नहीं है, चलो निकालो उनका, चलो निकालो निकालो। देखो हम किसी की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करने देंगे। निकालो पृथ्वी, हम अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। तो आंखें बंद कर लो ना। पृथ्वी क्या बात कर रहे हो? पृथ्वी चलो निकालो।
ना निकलियो तो मैं भाई इसी जगह इसी कुआं में जल समाधि ले लेंगे, बता दे रहे हैं तुमको। तो ऊपर जाके भगवान को ये भी पूछ लो कि अगले साल कितनी बारिश होने वाली, गांव का भला हो जाए। अच्छा देखो हम जा रहे हैं फिर। बिटिया, ए बिटिया, आंखें खोलो बिटिया, बिटिया जरा देखो, आंखें खोलो। आंखें खोलो बिटिया, बिटिया आंखें खोलो देखो। अरे पृथ्वी, ये तो होश में नहीं आ रही। बिटिया, बिटिया, ए बिटिया, आंखें खोलो बिटिया, बिटिया आंखें खोलो। नहीं, ऐसा भगवान से मांगा तो नहीं, फिर भी मन की पूरी कर दी। 36 का आंकड़ा होते भी झगड़ा सुलझाने के मूड में लग रहे हैं वो। लगता है दुश्मनी लंबी निभाने के चक्कर में है।